इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरा T20 मैच, और ये मैच गाइस खेला जा रहा है चेन्नई के स्टेडियम में। तो देखते हैं इस मुकाबले को कौन जीतता है। तो यहाँ पर गाइस जो है हरमनप्रीत कौर, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी लिया है, और यहाँ पर गाइस जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने 64 रन का जो है टारगेट दिया है। और यहाँ पर सुमेधी मंदाना स्ट्राइक पे है, और यहाँ पर दूसरी गेंद पर काफ़ी बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए, और बेहतरीन शॉट, इससे बढ़िया शॉट क्या हो सकता है। नेक्स्ट बॉल एक और बाउंड्री, एक और बेहतरीन शॉट, इस बार 4 रन मिलेंगे, बेहतरीन शॉट वाइज। तो ओवर की चौथी गेंद, यहाँ पर लेग स्टंप के लाइन पे गेंद था और काफ़ी अच्छा शॉट, लेकिन सीधा फील्डर गया। तो इसी के साथ स्मृति वंदना ऑलरेडी 2 बाउंड्री मिल चुका था इस ओवर में, लेकिन यहाँ पर गलत शॉट, ये गलत समय पे विकेट देख सकते हो रिप्ले में, लेग शॉट और सीधा जो फील्डर गया था, मैं आसान सा कैच था, कोई गलती नहीं की फील्डर ने, और इसी के साथ आउट है यहाँ पर। तो पहले विकेट यहाँ पर चटकाते हुए, और नेक्स्ट बॉल यहाँ पर पुल शॉट है जमीमा रोड्रिगेज के बल्ले से, लेकिन यहाँ पर सीधा फील्डर गया। तो 2 विकेट लगातार यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा, और यहाँ पर देखेंगे तो भाई काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी, और हैट्रिक पे है गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पर रिप्ले में, तो छोटी गेंद को पुल लगाने की कोशिश था जमीमा रोड्रिगेज, और यहाँ पर देखेंगे तो बल्ले का टॉप एज लेती हुई गेंद सीधा फील्डर के पास गई, और इसी के साथ आउट, एक और विकेट, 2 विकेट लगातार यहां पर। नेक्स्ट जो बल्लेबाज है कप्तान हरमनप्रीत कौर है, चलिए देखते हैं, और गेंदबाज अब हैट्रिक पे है, देखते हैं क्या होता है। यहां पर आखिरी गेंद इस ओवर की, और यहां पर आउट है ये भी, ऐसा लग रहा है, तो अंपायर चेक करते हुए, ये आराम से भाई डिफेंस करने की कोशिश था, लेकिन ये गलत शॉट यार, देख सकते हो यहाँ पर आउट है, मुझे तो लग रहा है बल्ला हवा में, और ये आउट है, आउट आउट आउट, कप्तान को जाना पड़ेगा। और ये देख सकते हो थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग, क्या ये आउट है, यस OUT आउट। तो गाइस साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी बेहतरीन ओवर देखा जाए तो, और अब यहाँ पर जो है ना स्ट्राइक पे सैफ अली वर्मा है, और बेहतरीन शॉट 4 रन के साथ शुरुआत, अभी भी जीतने के लिए 54 रन चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर अभी तक जो है पिछले जो ओवर में साउथ अफ्रीका की जो गेंदबाजों ने भाई काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करा था, और यहाँ से देखेंगे तो रन सही है, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो अभी भी 13 चाहिए। तो देखते हैं इस ओवर की शुरुआत बाउंड्री के साथ, नेक्स्ट बॉल एक और बेहतरीन शॉट, और ये भी बाउंड्री है, नहीं हो पाएगा क्योंकि फील्डर मौजूद है, 2-2-2 की मांग है, और यहाँ पर 2 पटौटते हुए बल्लेबाज। और अब देखते ओवर की तीसरी गेंद, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर सैफ अली वर्मा स्ट्राइक पे, ऑप्शन के बाद फील्डर्स बॉल, एक और स्लॉग से फील्डर है तैनात, है एक ही रन मिल पाएगा क्योंकि फील्डर है, तो सिंगल ही मिल पाएगा, अभी भी जीतने के लिए चाहिए 47, ठीक है। तो देखते हैं इस 3 गेंदों पर इस ओवर की बात करें तो 7 रन बटोरा गया है, और देखते हैं नेक्स्ट बॉल यहाँ पर फील्डर्स बॉल सामने की तरफ जड़ दिया है, 6 रन, वाह 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 वाह, क्या बात है, बेहतरीन शॉट। नेक्स्ट बॉल गाइस यहाँ पर फुल टच बॉल, रिवर्स स्वीप शॉट, और ये चौका है, चौका 4 रन के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं गाइस नेक्स्ट बॉल, और ये सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर 9 बॉल दिया है, यानी कि फ्री हिट मिलेगा, और बल्लेबाज के पास कुछ मौका है बाउंड्री बटोरने का, तो देखते हैं यहाँ पर क्या फ्री हिट का फ़ायदा उठा पाएंगे। आखिरी गेंद इस ओवर की, सैफ अली वर्मा है स्ट्राइक पे, तो देखते हैं आखिरी गेंद, स्टेप आउट करते हुए शॉट, और ये कवर के ऊपर से 6 रन, वाह वाह क्या बात है, रिप्ले देखना में ज़्यादा ही मज़ा आएगा, ये शॉट काफ़ी बेहतर देख सकते हैं, यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए शॉट लगाया 6 रन के लिए, और इसी प्रकार से बैटिंग करने की दरकार है अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर ओवर का ख़त्म किया बाउंड्री के साथ, और यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 ओवर की समाप्ति पर 35-3 भारत, और अब यहाँ से गए 3 ओवर और है, और जीतना है तो इसी प्रकार से बैटिंग करने की दरकार है। चलिए देखते गए यहाँ पर
रिकॉर्ड रेट अभी भी 10 के करीब चल रहा है। तो इस ओवर की शुरुआत देखते गाइस यहाँ पर आउट। यहाँ पर गाइस बहुत ही बेहतरीन वापसी साउथ अफ्रीका की टीम के लिए देख सकते हो, और यहाँ पर सही टाइम पे जो है विकेट चटका है, क्योंकि ये दोनों जो बल्लेबाज है काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे और काफ़ी शानदार बाउंड्री वगैरह निकाल रहे थे। यहाँ पर अच्छा वापसी देखने के लिए मिली, और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो बल्लेबाज है राधा यादव है, और देखते हैं यहाँ से जो है गाइस अगर इंडिया को जीतना है तो विकेट वगैरह संभल के खेलने की दरकार है, क्योंकि यहाँ से हर ओवर में 10 के करीब रन चाहिए। तो राधा यादव स्ट्राइक पे है और पहले गेंद का सामना करते हुए अच्छा शॉट है, लेकिन सीधे फील्डर के पास मिलेगा कोई कुछ भी नहीं, भाई रन नहीं मिल पाएगा यहाँ पर। तो देखते गए यहाँ पर दो गेंद पर गेंदबाज ने भाई काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी कराए, सिर्फ विकेट लिया है रन ही नहीं दिया। इस बार सामने की तरफ यहाँ पर सिंगल मिल पाएगा क्या, जी हाँ फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन पर। तो एक रन के साथ यहाँ पर शुरुआत करती हुई राधा यादव सैफाली वर्मा है स्ट्राइक पर, चार गेंदों का सामना करती हुई 13 रन पर बल्लेबाजी कर रही है सैफाली वर्मा। और ये देख सकते हो अच्छा शॉट है डीप मिड विकेट की दिशा में, एक रन के लिए खेल दिया गया है। अभी जीतने के लिए 27 चाहिए, 14 गेंद 27 रन की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए राधा यादव स्ट्राइक पर। चलिए देखते गाइस ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, आराम से कोई रन नहीं, डार्ट गेंद। चलिए अब आखिरी गेंद ओवर की अंतिम गेंद पर क्या बाउंड्री वगैरह देखने के लिए मिल पाएगा, और क्या आखिरी गेंद राधा यादव स्ट्राइक पे ऑफ स्टंप के बाहर गेंद शॉट बेहतर, लेकिन सीधा फील्डर के पास कोई रन नहीं। 3 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर 37-4 भारत, और अब देखते हैं यहाँ पर कई चीज़ थोड़ा सा मुझे लग रहा है आक्रामक बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जीतने के लिए अभी भी काफ़ी सारे रन चाहिए। तो देखते हैं स्ट्राइक पे सैफाली वर्मा है, स्ट्राइक पर बहुत ही बेहतर सैफाली वर्मा, 14 रन पे बल्लेबाजी कर रही है। और देखते हैं इस ओवर की शुरुआत बाउंड्री के साथ हो पाएगा क्या, जी हाँ 4 रन पहले की तरफ, कोई फील्डर नहीं था वहीं पर खेला और बाउंड्री बटोरते हुए। चलिए भाई यहाँ पर देखेंगे तो भाई मज़ा आ गया यहाँ पर, कुछ इसी तरह से बैटिंग करने की ज़रूरत है अगर इस मैच को जीतना है। ओवर की शुरुआत बाउंड्री के साथ, और देखते हैं यहाँ पर अगर जीतना है तो बेहतर बल्लेबाजी करने की दरकार है। चलिए वैसे अच्छा शॉट है यहाँ पर, 6 रन इस बार पहले की ओर से, एक और बाउंड्री, और देख सकते हो बढ़िया खेला इस बार यहाँ पर फाइनल के ऊपर से बेहतरीन शॉट, और यहाँ से 6 रन जी हाँ रिप्ले में भी देख सकते हो आप, दो बाउंड्री लगातार यहाँ पर 10 रन दो गेंदों पर मिल चुके हैं इस ओवर में। और अब देखते हैं ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर स्टेप आउट करती हुई शॉट सामने की तरफ बॉलर के सर के ऊपर से दो नहीं एक ही रन मिल पाएगा, अभी भी जीतने के लिए चाहिए 16 रन ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर 16 रन की दरकार है, राधा यादव स्ट्राइक पे है। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर सिंगल 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 एक रन मिलेगा मात्र यहाँ पर, तो यहाँ से गाइस अगर जीतना है कुछ इसी प्रकार से बैटिंग करना चाहिए, और इस ओवर में एक और बाउंड्री निकालने की कोशिश करने की दरकार है, क्योंकि अभी भी जो है ना काफ़ी सारा चाहिए बाउंड्री वगैरह निकालेंगे तो बेहतर होगा आखिरी ओवर के लिए। अच्छा शॉट इस बार, कट शॉट चौका, और ये बाउंड्री ज़रूरत है बाउंड्री निकालने की, क्योंकि यहाँ पर गए जब ये सिर्फ 11 रन चाहिए आखिरी ओवर में, और एक गेंद अभी बची है इस ओवर में। देख सकते हो गए रिप्ले में कट शॉट, और बहुत ही शानदार गए यहाँ पर 4 रन के लिए। और यहाँ से अगर देखेंगे तो इसी तरह से बैटिंग करेंगे तो बेहतर होगा। चलो भाई अब एक रन निकालेंगे तो बेहतर होगा आखिरी गेंद इस ओवर की, ओवर की आखिरी गेंद सैफाली वर्मा स्ट्राइक पे शॉट सीधा फील्डर के पास कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति। और अब रवांचक टी20 वाला अंतिम ओवर में, और यहाँ से जीतने के लिए 11 रन चाहिए आखिरी ओवर में। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मैं खेल रहा हूँ गाइस WCC3 ठीक है, WCC3 आप अपने डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा ठीक है। चलिए दोस्तों अब आखिरी ओवर है, और देखते हैं यहाँ पर स्ट्राइक पे राधा यादव पे ओवर की शुरुआत बाउंड्री नहीं 6 रन है अच्छे अच्छे 6 बाउंड्री के साथ, बाउंड्री के साथ ओवर की शुरुआत, बढ़िया शॉट, क्या शानदार शॉट यार, कमाल है कमाल है कमाल है।
देख सकते हो वो उठा के मारा और गेंद को भेजा 6 रन के लिए। और अब देखते हैं ओवर की शुरुआत छक्के के साथ, और अभी भी गए जो जीतने आए तो हर ओवर में सिंगल निकालने बस, ज़्यादा कोई जोखिम नहीं उठाएंगे तो भी हो सकता है आराम से खेलेंगे। तो यहाँ पर 5 गेंदों पर 5 चाहिए, अब 4 चाहिए, 4 गेंदों पर हर गेंद पर सिंगल चाहिए बस। चलिए 1-1 रन की दरकार है बस, देखते गए। सबसे पहले ओवर स्ट्राइक पर काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी सैफाली वर्मा के द्वारा, सामने की तरफ कोई रन नहीं, सिंगल 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 किया 1 रन यहाँ पर बटोरते हुए। और अब यहाँ से 3 गेंदों पर चाहिए 3 रन और राधे यादव स्ट्राइक पे, ऑस्टन के बाहर गेंद और ये डॉट बॉल नहीं। चलो अब चाहिए 3 रन 2 गेंदों पर, 2 बॉल पे 3 रन की दरकार है, इस बार अच्छा शॉट है। चलो सिंगल के लिए, और आखिरी गेंद पर चाहिए 2 रन, ठीक है यहाँ पर 2 रन भागना पड़ेगा ठीक है जीतना है तो इस मैच को। अंतिम गेंद पर चाहिए 2 रन, चलिए देखते कैसे ओवर की आखिरी गेंद, सामने की तरफ शॉट चौका हो पाएगा क्या? जी हाँ। तो भाई इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है भारतीय टीम ने। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिए, और क्या वीडियो चाहिए बताओ गाइस, चैनल को सपोर्ट करिए ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।